चलें चुप कर चुप कर। अस्सलाम वालेकुम भाई लोगों, तो क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आपका भाई जो है वो कहाँ गायब हो जाता आप लोगों को छोड़ के। आपका भाई आप लोगों को छोड़ के कहीं गायब नहीं आता यार। दरअसल बात ये थी कि जो मेरा मोबाइल था ना, मेरा मोबाइल गया था टूट, तो मैंने फिर एक नॉर्मल मोबाइल लिया। मेरा जो दिल जो है वो भी टूट गया मोबाइल की तरह, तो इस वजह से आपके भाई ने अब न्यू मोबाइल ले लिया। रिश्तेदारों की मदद से पहली दफ़ा कोई अच्छी चीज़ हुई है। तो टाइटल देख के आप लोग समझ तो गए ही होंगे। ये चेक कर सकते हैं आप, बाइक जो है वो मैंने स्टार्ट कर ली है। और ये टाइम देख लें आप क्या हुआ, तकरीबन 4:44 फ्राइडे, ठीक है। मैं और अम्मी जान जो है एक लंबे ट्रिप के लिए निकल रहे हैं, तो निकल रहे हैं हम लोग उखाड़ा की तरफ। यार मैं कोई प्रोफेशनल बाइकर तो नहीं होना, मतलब कि 125 रखी हुई है हमारे पास, कौन सी टूर बाइक है, तो इस वजह से मुश्किल बहुत होता है। तो अम्मी जान बस आती होंगी, बल्कि ये देखे आए गए हैं। हाँ जी, तैयार हैं आप? हाँ जी। अच्छा, दुआ शुआ पढ़ ली है? हाँ जी। अच्छा, तो अम्मी जान बस आ गए, सबसे पहले चलते हैं, चल के पेट्रोल वगैरह फिल करवाते हैं। पेट्रोल भी आपको पता है इतना महंगा है, तो चलो चलते हैं। तो यार मैं और अम्मी खैर खैरियत से घर से निकल आए हैं, अल्लाह ताला हमारे सफ़र में आसानियाँ फरमाए। तो चलो सफ़र जो है हमारा शुरू हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुला इलाहा इल्लल्लाह आप यार लाहौर की वाइब चेक करें, मैं किनार रोड पे चल के आप लोगों को दिखाऊंगा, चेक करें। तकरीबन 97% लाहौर जो है वो इस टाइम सोया हुआ है और हम लोग जो है वो निकल चुके हैं। तो और ये कि आपको पता है मोजे ही मोजे हैं, रात को जागते हैं दिन को सोते हैं। तो बस अभी दिन की शुरुआत भी हो चुकी है, तो हम लोग जो है निकल आए हैं। रास्ते में ही कहीं पर चल के नाश्ता वगैरह करेंगे, तो अब सबसे पहले चलते हैं और चल के पेट्रोल वगैरह रिफिल करवाते हैं और फिर बाकी नज़ारे बात के। पेट्रोल यार हम लोगों ने डलवा लिया है, पहले भी काफ़ी था लेकिन फिर भी 8 लीटर और कुछ डल गया है तकरीबन। मतलब कि जितना मैंने सफ़र करना है ना, तकरीबन 150 किलोमीटर है, तो इसी पेट्रोल में ही वापस भी आ जाएंगे। लेकिन यार भाई बहुत महंगा हो गया है, बहुत महंगा, 2200 रुपये का 8 लीटर पेट्रोल डला है भाई। मैंने तो प्राइस भी नहीं देखी, और वीडियो जब एडिट करूँगा तब उसमें ही देखूँगा। तो चलो यार चलते हैं, अपना सफ़र शुरू करते हैं। और किनार रोड का जो व्यू है ना, वो आप लोग भाई ना भूलना, वो आप लोगों को लाजमी दिखाऊंगा। तो नाजरीन, मेज़बान कदरदान, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई। ये चेक कर सकते हैं आप, ऊपर चांद निकला हुआ और नीचे सारा लाहौर जो है वो सो रहा है। सड़कें खाली हैं, एक नन्नी मुन्नी चुन्नी पुन्नी गाड़ियाँ जो हैं वो चल रही हैं बस, इन गाड़ियों के सिवा और कोई गाड़ियाँ नहीं। लाहौर वाले किधर हो, आपका भाई यहाँ से गुजरा, भाई मेरे पे भी तो थोड़ी तवज्जा दो, कहाँ चले गए हो। तो यार यहाँ पे आपका भाई काफ़ी सफ़र करके आखिरकार पत्तों के टूल प्लाज़ा पे पहुँच गया है। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को मैं दिखा दूँ। पहला स्टे हम लोगों ने ना पत्तों के टूल प्लाज़ा। सीन ऐसा है कि बाइक देखें वो खड़ी है, टाइम आप देख सकते हैं अभी 6:46 हुए हैं। पहला ही जो स्टॉप है ना वो हम लोगों ने लिया है कोई पत्तों की से भी आगे, काफ़ी आगे, मतलब कि ये जगह है हबीबाबाद, पीछे चौक है हबीबाबाद। हाँ जी, क्या हाल चाल है? ठीक हो, थकी शकी तो नहीं? भाई सीन ऐसा, आपको पता है ढाबे की भाई चाय इन्होंने हमें यहाँ बिठा दी है। ये चेक करें, सरकारी जग भी पड़ा हुआ है, अम्मी के कपड़ों के साथ मैच है। तो 2 कप दूध पत्ती पराठा और चने की दाल का आपके भाई ने ऑर्डर दे दिया, क्योंकि नाश्ता भी नहीं किया हुआ। आप ये हिसाब लगाएं तकरीबन हम लोग कोई 80-85 किलो 80-85 से 90 किलोमीटर ना अपने घर से यहाँ चले हैं। आप खुद ही हिसाब लगा रहे हैं, ये मतलब कि हम इस टाइम हबीबाबाद के पास हैं। तो अब यहाँ से नाश्ता वगैरह करते हैं, जैसे नाश्ता आता है आप लोगों को भी दिखाते हैं और फिर टेस्ट करके बताते हैं कि है कैसा। यकीनन मज़े का ही होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ हर चीज़ तो खालिश होती है। ये भी एक तरह का गाँव ही है लेकिन हाईवे पे है, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम लोग निकलेंगे, नाश्ता वगैरह आता है और आप लोगों को दिखाते हैं। तो यार यहाँ पे गर्मा गर्म जो है वो चाय भी आ चुकी गई है और पराठा आपका भाई ज़रा आप लोगों को टेस्ट करके बताता है कि पराठा कैसा है। चने की दाल ऑयली ऑयली तो बहुत लग रही है। एक तो भाई फ्रेश है और ये इनके मजे के नहीं है, तो मजे के भी है। फटाफट मंडते हैं और फिर निकलते हैं।
तो यार पराठा और नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया है, तो फ्री हम हो चुके हैं, पैसे शैसे दे दिए हैं, तो अब निकलते हैं गाँव की तरफ, क्योंकि अब थोड़ा सा सफ़र रहता है, थकन जो है वो काफ़ी हद तक जो उतर गई है। तो जैसे आपको सुबह लाहौर की वाइब दिखाई थी ना, ऐसे ही आप लोगों को गाँव की वाइब दिखाएंगे, और आप लोगों को चस आएगी। और आप अपनी कमेंट में राय ज़रूर बताना कि आप लोगों को कौन सी राय जो वो प्यारी लगी, गाँव वाली या लाहौर वाली, सुबह सुबह की। गाँव की तो आपको पता है, फिर हर तरफ सरसा शादाब घास फूस इधर उधर की पैसे शैसे हर चीज़, आप बताना अपनी राय जरूर देना कमेंट में कि आपको कौन सी बाइक जो है सबसे ज़्यादा प्यारी लगी। तो आप बगैर देर के निकलते हैं, क्योंकि सफ़र थोड़ा सा अभी मतलब कि है ही, आधा पौना घंटा लग जाए, तो थक के पहले चूर हुए हैं तो निकलते हैं। ये यार जो प्यारा सा रास्ता है ना नहर के साथ साथ, ये एक छोटी सी रोड है जो मेन रोड से निकल के ना सीधे हमारे गांव की तरफ जाती है। मतलब कि ये मुल्तान रोड से जो रोड है ना, ये नीचे उतर जाती है और सिंगल रोड बनी हुई है वन में, यानी कि ठीक है। ये भी बहुत प्यारी हरियाली, इस वजह से आपके भाई ने कहा कि चलो आप लोगों को ये भी थोड़ी सी वाइब जो है दिखा दूँ। ये प्योर गाँव की वाइब नहीं है, ये मतलब कि एक साइड पर नहर और एक साइड पर रोड जा रही है। तो ये यार ये भी एक प्यारा सा टूर था, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर ना आपका भाई एक ना छोटा सा कोई मज़ार बना हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी मज़ार आप देखें निज़ामुद्दीन औलिया का, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, और या आप बाकी जो है आप ये इंजॉय करें, वीडियो शीडियो आपके भाई ने आप लोगों के लिए बनाई है, देखें ज़रा। को मैं बात बताता चलूं कि करना तो नहीं चाहिए या कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों ने इतना सफ़र किया, इतनी दूर आए, ये पता है किस लिए? सारे पैसे किस चीज़ के? सिर्फ इस चीज़ के। ये देख सकते हैं आप, ये भाई है मेरी नानी जान की कब्र। तो हम लोग लाहौर से इतना सफ़र करके सिर्फ अपने प्यारों को मिलने के लिए आए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो भी हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं, ठीक है। एक दिन मर तो हर किसी ने जाना है, लेकिन आज को हम किसी की कब्र पर या कहीं पे आके दुआ करेंगे, तो कल को हमारी कब्रों पर भी आके कोई दुआ करेगा। हमने भी तो मर ही जाना है ना। तो सारे पैसे मैं आप लोगों को बताता चलूँ इस चीज़ के, हम लोग डायरेक्ट सुबह से मतलब के तकरीबन 3:30-4 बजे के उठे हुए हैं और तैयारी वगैरह कर रहे हैं। तो हम लोग अब यहाँ पहुँचे हैं और आके फूल वगैरह डाले हैं, और अम्मी जान जो है वो दुआ वगैरह कर रही हैं। तो यहाँ से दुआ वगैरह करके फिर मामू लोग की कब्रें वगैरह भी हैं दूसरे कब्रस्तान में, वहाँ जाएंगे, वहाँ भी फूल छूल डालेंगे, और फूल छूल डाल के फिर हम लोग ऐसे ही शायद क्या नाम है गाँव ना जाएँ, और ऐसे ही वापस लाहौर के लिए निकलें। और अब गर्मी भी काफ़ी हो रही है, आप लोगों को मेरे पसीने से अंदाज़ा हो ही रहा होगा। तो मैंने फूल छूल डाले हैं, कब्र सबर जो है वो थोड़ी सी सेटमेंट की है, तो अब दुआ मांगते हैं और दुआ मांग के निकलते हैं। यहाँ पे भाई लोगों अम्मी जो है वो इमोशनल हो गई थी, बाकी आप वीडियो देखें। चलें चुप करो, चुप करो। तो यार सीन ऐसा है, उस कब्रिस्तान से हम लोग फ्री वगैरह होके दूसरे कब्रिस्तान में आ चुके हैं, ये चेक कर सकते हैं। एक ये मेरे मामू की कब्र और एक वो जिस पे फूल डले हुए, ये मेरे मामू की कब्र है। पहले यार यहाँ पे इतनी ज़्यादा कब्रें नहीं थी, मतलब कि कब्रिस्तान खाली खाली था, तो अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कब्रें हो चुकी हैं। तो अल्लाह पाक मेरे मामू लोगों के गुनाहों को माफ़ करे और जन्नतुल फिरदौस में उनको अल्लाह से आला मुकाम अता फरमाए। तो दुआ शुआ जो थी हमने मांगनी है, जो हमारा मिशन था वो अब पूरा हो चुका है। तो अब देखते हैं गांव जाते हैं या गांव नहीं जाते। अब आप लोगों का भाई आप लोगों को गांव की फील चेक करवाता है, पसीना बड़ा आ गया यार, मेहनत की है ना इस वजह से। तो अब आप लोग बस गांव की फील चेक करना और फिर मुझे कमेंट में लाजमी बताना कि आप लोगों को गांव की फील कैसी लगी। दिलों को थाम लीजिए, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई, ये चेक कर सकते हैं आप। ये है भाई असली गाँव की फील, ठीक है। बीच में रोड जा रहा है, इर्द गिर्द कच्चे मकान, धूप इतनी तेज़, और ये देखें गधा गाड़ी पे भाई पट्ठे जा रहे हैं। ये बाइक वाले ने मुझे थोड़ा सा रास्ता दिया, आपका भाई फिर भी निकल गया। चेक कर सकते हैं हर तरफ सरसब्ज़ और शादाब घास फूस हर चीज़। यहाँ पे इतनी यार फ्रेश आबो हवा है ना, कि जो जो बंदा गाँव से है वो तो जानता ही होगा। बाकी आप व्यू जो है वो इन्जॉय करें। यार काफ़ी देर के बाद ना हम लोगों ने स्टे किया है, तकरीबन गाँव से हम लोग गाड़ा से मतलब के निकले हैं, तो हम लोगों ने स्टे किया आके पूल नगर के पास। तो मुँह सू भी धोया, चेक करें आपका भाई चिकना लग रहा है ना, मुँह सू भी धोया, वॉशरूम वगैरह भी किया है। अब मम्मी का दोबारा चाय पीने को दिल कर रहा है, तो चलते हैं और चल के देखते हैं दूसरी साइड पे कि यहाँ पे मुल्तान रोड पे यार कोई खाने वाली इतनी कोई ख़ास चीज़ें नहीं हैं। अब देखते हैं हमें कोई अगर अच्छी चाय मिलती है तो चाय पीते हैं और साथ देखते हैं क्या मिलता है।
चल के फिर देखते हैं। तो यार हम लोग यहाँ पे आके बैठ चुके हैं, आपको पता आपका भाई इतना चाय लवर तो है नहीं, तो आपके भाई ने अपने लिए मिल्कशेक मंगवा लिया, अम्मी ने नानचने मंगवा लिए, एक कहा था और वो दो ले आया, तो अब आपका भाई जो है वो साथ हेल्प करवाएगा खाने में। और क्या नाम है, चाय आ रही है, अम्मी पर चाय पियेंगे। आपको पता है कि बुजुर्ग लोग तो चाय पीते हैं कि नहीं, बुजुर्गों बुजुर्ग चाय पीते हैं। मैं तो मैं भाई मिल्कशेक पी के चेक करता हूँ। अच्छा यार रिफ्रेशमेंट मिल रही है, इसके बाद थोड़ा सा सफ़र है तकरीबन घंटे सवे घंटे का, फिर सुकून से घर चलते हैं। घर चल के चिल चिल मार, अब आप देख रहे होंगे कि आपके भाई ने कपड़े छपड़े चेंज कर लिए। हाँ यार सीन ऐसा था कि आपको पता है तकरीबन 300 किलोमीटर हम लोगों ने बाइक पे किया, ये कौन सी कोई टूर बाइक है जिस पे बंदा थकेगा नहीं, तो यार थक बहुत गया थे, इस वजह से हम वहाँ से जो भी हमने खाया पिया वो खा के डायरेक्ट घर आ गए। घर आके भाई सीधे आपके भाई ने तारी लगाई, तारी लगा के फिर सो गए, फिर सो के अभी आपका भाई उठा है, कपड़े छपड़े चेंज किए हैं। ये चेक कर सकते हैं बाइक की हालत, ये देखें मिट्टी शिट्टी पड़ी हुई है। तो अभी चलते हैं ज़रा, एक तो रज़ाई लेके जानी थी, एक जो साकिब है उसको पकड़ता हूँ फिर आते हैं, उसको लेके आता हूँ फिर रज़ाई जो है वो लेके चलते हैं। रज़ाई जो है जमशेद ब्लॉगर साहब के घर देनी है, तो चलते हैं फिर, और फिर बाइक को भी धुलवाएंगे क्योंकि आपको पता है गंदी छंदी काफ़ी हुई है। तो आज तो यार बहुत ज़्यादा थक गए, लेकिन आपका भाई सोया, सो के उठा फ्रेश मैन टाए हाय, और मौसम चेक करें आप कितना स्मैक्सी हो रहा है, ये चेक करें चारों तरफ भाई, आए हाय हाय नज़ारे ही नज़ारे हैं आज तो। तो यार साकिब यहाँ पे आ गया, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल चाल है भाई? ठीक ठाक यार, आप सुनाओ। आप आ गए, हम तो वेट कर रहे हैं। मैं गया था गाँव सुबह 4 बजे। ओए ओए क्या तुझे बात बताऊँ, एक दिन में इतना सफर किया, ठीक है थक गया यकीन कर, 300 किलोमीटर एक दिन में सफर किया। अच्छा थक गया हूँ, थक गया भाई, जो तशरीफ है ना, अच्छा तशरीफ ऐसी दर्द कर रही है। कौन कौन गया था? मैं और तेरी आंटी। अच्छा अच्छा, मैं सोच रहा था अकेला जाता तुझे ले जाता, पर तुझे पता है स्कूल भी तो जाना चाहिए, वो जो तुम लोग आगे नहीं जाते। हाँ वो तुम जाते नहीं यार, अब एक काम है और तुझे घर जाकर बताता हूँ क्या काम है। ठीक है, खाना छाना खाया ना? हाँ हाँ खाना वगैरह तो मैंने खाया। चलो घर जाकर तुझे काम बताता हूँ। तो भाई लोगों सीन ऐसा, ये चेक कर सकते हैं, पसीना निकल आया है, ये रजाई है पैक है, ये लेके जानी है। तो साकिब जो उधर वीडियो शीडियो बना रहा है, ओए इधर आ, आ लाके जानी है। ठीक है, तो और किंदे वास्ते बुलाया सी? हां तू नहीं चुकेगा तो और कौन चुकेगा? मैं चुकांगा, तू चुकेगा ना, तू चुक ते चल आ चलिए, आ जा यार, आ जा बारिश होना, चेक कर किन्ना तेनू काम नहीं कहना ते और मामा मसाया नू काम कहना। तो यार दरवाज़ा दरवाज़ा हमने बजा दिया, तो मौसम जो है बड़ा सेक्सी हो गया है। हाँ हाँ क्यों नहीं रख सकते यार, प्लीज यार, यार हमारा ममदी बिस्तरा रख लो यार, प्लीज यार, मुझे पता आप बहुत अच्छे इंसान हो, प्लीज यार पैसे ना देना हमारा, बस ममदी बिस्तरा रख लो। ठीक है, तो चलते हैं यार अंदर और चल के सबसे मिलते हैं अभी सारे आने वाले हैं। तो यार बात ऐसी है, रजाई रजू उठा के हमें चढ़े हुए थे पसीने, तो हम भाई जमशेद साहब के घर आए, तो जमशेद ने हमें बड़ी मज़े की डेजर्ट पेश की है, ये चेक करें कितनी मज़े की। हाँ भी साके मज़े की है, इधर आ यार, कहाँ से आई है ये, सही से बताइए, झूठ ना बोलें। किसके लिए? आपके लिए। ना कर यार, सही बात है यार, आई लव यू यार, आई लव यू टू ब्रदर यार। मैं आप लोगों को गाइस खा के बताता हूँ, ये चेक करें, ये मैंने तोड़ा, ये चेक, मजा ही आ गया। हम भाई समझ रहे थे कि हमने साकिब को रजाई का वो बहाना लगा के भाई वक्त में डाल दिया, लेकिन भाई साकिब ने हमें डबल वक्त में डाल दी, ये चेक कर सकते हैं। साकिब भाई हमारे साथ इस वजह से आया है कि साकिब ने भाई साइकिल अपनी लेनी थी कमाहा से। वाह जी वाह, क्या बात है साकिब साहब हमारी।
तो अब हम साकेत साहब को अपने साथ लेके जा रहे हैं भाई साइकिल पर, ये चेक कर सकते हैं साइकिल जो है वो चला रहा है ये देखें, और हम भाई इसके साथ बाइक पे जा रहे हैं। तो अब घर पहुंच के फिर आप लोगों को दिखाते हैं, रास्ते में इसको कहेंगे व्हीली उठा, देखते हैं व्हीली मारता है कि नहीं मारता। तो चलें जी नाजरीन, आप साकिब जो है वो व्हील मारने लगा है, लेकिन लेकिन नहीं, लेकिन व्हील जो है वो नाकाम हो गई है और इसकी साइकिल जो है वो ख़राब हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप, इसकी जो व्हील है वो फेल हो गई, वो देखें यार तेरे व्हील मारी चक्का पिंगा हो गया। तो ये जी दोबारा ट्राई होने लगी है, चक्का सीधा करके देखते हैं। ओ वाह जी, ओहो यार ये तो पूरी तुम्हारी पूरी उठ गई है यार, क्या बात। रुको मैं यहाँ पे खड़ा करता हूँ ना बाइक और फिर देखते हैं। चलो जी हाँ, वाह जी वाह, नहीं 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 यार तू फेल हो गया, तेरे बस की बात नहीं है भाई व्हील मारना, तेरे बस की नहीं है बात। चल रुक चल, ओए 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 इधर ना ले आए, ये ना हो शादी से पहले ही मुझे विधवा कर दे। चल एक दफा फिर, चलो जी देखते हैं। ये यार तेरा आखिरी चांस है, अगर अब ना हुआ तो फिर नहीं, ठीक है फिर मैं जाने लगा हूँ, गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। चल नहीं यार नहीं 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 तेरे बस की बात नहीं, चलो जी लास्ट टाइम चल। हाँ ये थोड़ी बेहतर। हाय हाय साकिब जो है यार वो अपने घर जा चुका है, आपका भाई जो है वो भी सारे कामों से फ्री हो गया है। तो उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, अगर तो पसंद आया तो भाई कमेंट में हमें लाजमी बताना। आप मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए भाई को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।